इते वहां ते अहम खबर पहुंचाई हूँ। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में लॉ कॉलेज के शागिर्दन का इम्तिहान न वठण बाबत केस की बुधनी थी है। लॉ कॉलेज के शागिर्दन का इम्तिहान न वठण ते अदालत पारा कावड़ जो इजहार किया वो है। वहाँ के आगा कंदा अहम खबर है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में लॉ कॉलेज के शागिर्दन का इम्तिहान न वठण बाबत केस की बुधनी थी है। लॉ कॉलेज के शागिर्दन का इम्तिहान न वठण ते अदालत पारा कावड़ जो इजहार किया वो है। अदालत इम्तिहान जो शेड्यूल पेश करण जो हुक्म दे छो है। तफसील मालूम कंदी सखर में शाहिद चन्ना खां। जी शाहिद, अपडेट कजो। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में ला कॉलेज में शागिर्दन का इम्तिहान वठण से शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी केरपुर के इंतजामिया से सख्त कावड़ जो इजहार किया है। ला कॉलेज का इम्तिहान न वठण वाले अमल खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में शागिर्दन की दरख्वास्त से बुधनी थी है। दरख्वास्त गुजार यूनिवर्सिटी जो रजिस्ट्रार अदालत में अज पेश पाया। रजिस्ट्रार अदालत के आगाही दिनी तो इम्तिहान जो शेड्यूल जारी किया वो है, जैसे जस्टिस आफ्ताब गोरड़ चाहा 3 साल की डिग्री वालों शेड्यूल खी आया आयो, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बंदिश कल है। अवं के हुक्म एकड़ो कई था, अमल बो क्या जस्टिस आफ्ताब गोरड़ रिमार्क दीजिए चो तो ला कॉलेज का इम्तिहान छो ना या अदालत के हुक्म से अमल न थो तो यूनिवर्सिटी का लगातार कॉलेज बंद करने जो हुक्म दींदे। कॉलेज बंद थी तो अवं मखियों मारी मारींदा रहा। अवं शागिर्दन जो मुस्तकबिल दा से लगे छो है। जस्टिस आफ्ताब गोरड़ अदालत में रिमार्क दींदे थो तो 3 साल का शागिर्दन इम्तिहान छो ना वरता वह। अदालत हुक्म दींदे थो तो 2 या 3 साल के दौरान इम्तिहान कराए डिग्री मुकम्मल कई वे, रिपोर्ट अदालत में पेश कई वे। जी ठीक है, शायद चवणो वही तफसील का आगाह करने लाइ।